नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला पाठशाला रेलवे एग्जाम में। दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के एक क्वेश्चन से। केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले को तमिलनाडु के पहली पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिले के रूप में चुना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बीन चूजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द फर्स्ट फुली डिजिटल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु? ऑप्शन है चेन्नई, कोयम्बटूर, धर्मपुरी, विरुधुनगर। इस क्वेश्चन का जवाब जानेंगे, उसके पहले आज के दिन की ताजा खबरों के साथ रूबरू होंगे। और आज के दिन की पहली खबर है हमारी अमेरिका से। अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिसीजन लिया है। ये डिसीजन क्या है? हर साल वहां पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड की समाप्ति पे एक वर्षगांठ बनाई जाती है और इस बार इसकी 75वीं वर्षगांठ रही हुई है। 75वीं वर्षगांठ में उन्होंने क्या काम किया है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी अमेरिका में स्थित उत्तरी कैरोलिना में एक प्लेस है विलमिंगटन, इसका एक स्पेशल रोल रहा है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो इसको उन्होंने इस बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड हेरिटेज सिटी बना दिया है, इसको दर्जा दिया है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की हेरिटेज सिटी। और ये पहली ऐसी सिटी है जिसको ये दर्जा दिया गया है। इसका खास रोल था, खास रोल क्या था? द हिल के रिपोर्ट के हिसाब से उत्तरी कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी की एक साइट थी, शिप बिल्डिंग कंपनी की एक साइट थी। इससे क्या हुआ था, उस वक्त की संघीय सरकार को आपातकालीन जो युद्ध वाला टाइम था उससे लड़ने में निपटने में बहुत मदद मिली थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने 5 साल में 243 जहाजों का निर्माण किया था। चलिए थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं हम उत्तरी कैरोलिना को, नॉर्थ कैरोलिना के विषय में थोड़ी सी। ये जो है 28वीं जो है लार्जेस्ट और 9th मोस्ट पॉपुलस प्लेस है जो आपकी यूनाइटेड स्टेट में, 50 यूनाइटेड स्टेट्स में जो जगह है उनमें से। इसकी जो कैपिटल है वो रैलिग है, गवर्नर है रॉय कूपर है। फटाफट देख लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है यहाँ का 4.4% है मार्च 2020 के हिसाब से। इसके बाद दिन की जो ताजा खबरें हैं उनमें से आज जो है दूसरी खबर देखेंगे, ये है हमारी बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक डिसीजन लिया गया। ये डिसीजन क्या है कि बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदी लोग रहते हैं, तो हिंदी लोगों के यहाँ जो उनकी वाइफ हैं उनको एक रिस्ट्रिक्टेड जो है अधिकार था उनकी प्रॉपर्टी में। अभी क्या हुआ है, बांग्लादेश ने ये डिक्लेयर किया है कि जो विधवा हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो उनकी पत्नियां जो हैं उनके डेथ के बाद विधवा हो जाती हैं, तो पहले क्या था, पहले उनको संपत्ति में आधा अधिकार था, आधा अधिकार नहीं था। एक संपत्ति होती है सरकारी और एक होती है कृषि योग्य, दूसरी होती है गैर कृषि योग्य। तो अभी जो है वो वहां की सरकार ने ये बोला है कि अब जो विधवाएं हैं जो हिंदू लोगों की, उनको अब चाहे वो कृषि योग्य हो चाहे गैर कृषि योग्य हो या किसी भी तरीके की संपत्ति है उसमें उनका पूरा अधिकार होगा। इसे वो बेच सकेंगे, इसके साथ वो कुछ भी कर सकेंगे, ये उनकी प्रॉपर्टी होगी। इसके पहले क्या था, इसके पहले उनके पास सिर्फ वास भूमि, मतलब होम स्टेट, कहने का मतलब है कि कृषि योग्य कोई चीज है जहां पे वो पैदा हुए, जहां पे वो रह रहे हैं, सिर्फ उसी में उनका अधिकार हुआ करता था। लेकिन ये अधिकार को उन्होंने बढ़ा दिया है कि चाहे वो कृषि योग्य हो चाहे गैर कृषि योग्य हो, किसी तरीके की संपत्ति हो उसमें उनका पूरा अधिकार होगा उनके मर जाने के बाद, और इसे वो बेच सकेंगे। और हमारा ये मानना है कि ये बांग्लादेश की तरफ से एक बड़ी और अच्छी पहल है। बांग्लादेश के विषय में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है। वहाँ का जो डेट फॉर्मेट है वो एडी के हिसाब से चलता है, लाइक डीडी, एमएम, वाईवाई, डेट, मंथ एंड ईयर। ड्राइविंग जो साइड है वहाँ की लेफ्ट साइड है, और वहाँ जो रिलीजन है 2011 की जनगणना के हिसाब से जो इस्लामिक लोग रहते हैं वो 90.5% रहते हैं, 8.5% हिंदुइज्म लोग रहते हैं, 0.6% बुद्ध एंड 0.4% क्रिश्चियनी लोग रहते हैं। करेंसी वहाँ पे जो है, जो नाम है इसका वो है बांग्लादेशी, टाका के नाम से जानी जाती है। ये आपके एग्जाम में, बैंक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद दिन के खबरों में आगे की तरफ पहुँचेंगे। ये है ब्रिक्स की 5वीं मीटिंग। ब्रिक्स स्टैंड करता है, 5 देशों का कॉम्बिनेशन है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सो ये जो है ना, इनके मिनिस्टर्स की एक कल्चरल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में खास बात क्या हुआ है, 3 सितंबर को ये मीटिंग हुई है। अब इसमें कुछ डिसीजन लिए गए हैं। कुछ डिसीजन क्या है, जनरल ये जो मीटिंग होती है, अगर कल्चरल मीटिंग है तो हम उसमें जो बैठ के हमारे जो मिनिस्टर हैं या अलग अलग देशों के जो मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, ये वर्चुअल मीटिंग है, आजकल कोई कहीं नहीं जा रहा है, पहले तो ये होता ना कि किसी देश में जाते थे। इस मीटिंग को जो हेड किया वो रसिया ने हेड किया हुआ है, और इसमें जो बेसिक जो काम हुआ करता था बस वो यही है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है हमारे, ये कोविड के सिचुएशन की वजह से कितना हैम्पर हुआ है, और
इस दौरान पे इसे कैसे एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक जो है योगदान बढ़ाए रह सकते हैं, ऑनलाइन इस चीज को कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे इस पे काम कर सकते हैं, इन्हीं सब चीजों को लेके जो है डिस्कशन हुआ है। तो इसकी जो मेजबानी की है बेसिकली वो रशिया ने की है। किसने की है? रशिया ने की है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। इसकी मेजबानी फिफ्थ ब्रिक्स के जो मेजबानी जो हेड किया है वो रशिया ने किया है, और इसके जो है हेड करने में ये पूरा का पूरा जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो मीट है ये पूरा का पूरा चला है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे, इसका हेडक्वार्टर देखेंगे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स मिला के बनता है। संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट इस वक्त मार्कोस प्राडो ट्राइजो हैं। दिन के आगे की खबर की तरफ चलेंगे, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। बेसिकली इस रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। अब गैर सरकारी एक संगठन है, एक एनजीओ है जिसका नाम है मोबाइल क्रेज, इसने जो है इस रिपोर्ट का निर्माण किया है और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका क्या किया है, इसको जारी किया हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारा केरल है, जो गोवा है, जो त्रिपुरा है, जो तमिलनाडु है और जो मिजोरम है, ये बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल को लेके जो है शीर्ष 5 राज्यों में आता है। मोबाइल क्रेज जो है ये जो नाम है एक एनजीओ की, ये स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में दो प्रकार के इंडेक्स इसने तैयार किया है। ये इंडेक्स क्या है? यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स और दूसरा है यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स। तो बेसिकली ये जो द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, इसका जो नाम और जो थीम है, इस थीम का मतलब क्या है? ये द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया मतलब ये मॉनिटर कर रहा है कि कौन से स्टेट में जो यंग लोग हैं उनकी क्या स्थिति है। स्थिति कैसे मॉनिटर करते हैं? स्थिति सूचकांक से मॉनिटर करते हैं। तो दो तरीके के सूचकांक जारी किया गया है, एक है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स और यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स। दोनों इंडेक्स के विषय में थोड़ी सी जानकारी करेंगे अपन लोग। सबसे पहले बात करेंगे यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स। इस इंडेक्स में क्या मॉनिटर किया जाता है? जो बच्चे हैं जो 1 से लेकर 6 साल तक आते हैं, ध्यान से रखिए 6 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य पोषण, ज्ञान संबंधी विकास किस तरीके से हो रहा है, इस चीज को लेके सूचकांक जारी किया गया है। अलग अलग पैरामीटर पे अलग अलग चीज़ों को जो है मॉनिटर किया गया है, जिसमें से स्वास्थ्य पोषण मेन चीज़ रही है और उनके ज्ञान कैसा रहा है, ज्ञान संबंधी चीज़ें उनकी कैसी रही है, इस चीज़ को लेके इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया है वो केरल राज्य ने किया है और सबसे जो बुरा किया है वो बिहार राज्य ने किया है। इस इंडेक्स में कुल 8 राज्यों की पहचान की गई है जिन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य पोषण और ज्ञान संबंधी विकास के मामले में देश के औसत जो सूचकांक का अंक होता है उससे भी कम जो है अंक प्राप्त किया है। इसमें से असम आता है, मेघालय आता है, राजस्थान आता है, छत्तीसगढ़ आता है, मध्य प्रदेश आता है, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार सबसे आखिरी में है। ये सारे के सारे वो स्टेट हैं जिनको औसत अंक से भी कम अंक मिला हुआ है। कहने का मतलब वहाँ जो बच्चे हैं उनका जो स्वास्थ्य पोषण है वो बेहतर नहीं है, उनका जो ज्ञान संबंधी विकास होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। तो पहले इंडेक्स में जो हम मॉनिटर करते हैं यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में, इसमें यही है कि उनका स्वास्थ्य पोषण कैसा रहा हुआ है, उनका ज्ञान संबंधी विकास कैसा रहा हुआ है। यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स में हम क्या जो है मॉनिटर करते हैं, हम ये मॉनिटर करते हैं कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कितने नीतिगत उपाय को जो है समझने का प्रयास किया गया है उस स्टेट के द्वारा, कि जो कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है उसके लिए क्या क्या नीतिगत उपाय किए गए हैं, इस चीज को इस इंडेक्स के तहत मॉनिटर किया गया है। अब इस नीतिगत उपायों में देखो गरीबी उन्मूलन आती है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना आता है, क्या ये पहल ली गई है स्टेट की तरफ से, शिक्षा स्तर में सुधार करना, क्या ये पहल ली गई है, स्वच्छ जल आपूर्ति क्या की गई है, लिंग समानता पे काम किया गया है कि नहीं किया गया है, इस इंडेक्स के तहत ये जो नीतिगत उपाय है जो स्टेट अपनाती है अलग अलग तरीके से ताकि बच्चे का जो है स्वास्थ्य बेहतर रह सके, बच्चा विकास कर सके, राष्ट्र में भागीदारी ले सके, तो इस इंडेक्स के तहत इन नीतियों पे देखा गया है कि क्या ये जो है इन्होंने अच्छा काम किया है कि नहीं काम किया। इसमें फिर से केरल ने पहला स्थान प्राप्त किया है, फिर गोवा ने, फिर सिक्किम ने, फिर पंजाब ने, फिर हिमाचल प्रदेश ने, और इसमें सबसे बुरा फिर से जो है बिहार ने परफॉर्म किया है। तो इस इंडेक्स और इस इंडेक्स में काइंड ऑफ सेम चीज है, जिसने इसमें टॉप किया है उसने इस इंडेक्स में भी टॉप किया है, जिसमें ये बॉटम लेयर पे जो रहा है बिहार, इसमें भी बॉटम लेयर पे रहा है। तो दो तरीके के इंडेक्स जारी किया गया है, यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स और दूसरा है यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स। इसके बाद दिन के आगे की खबर की तरफ मूव करेंगे। अगली खबर है बच्चों और महिलाओं में न्यूट्रिशन को लेकर। 2018 में एक अभियान चलाया गया था महिला और विकास मंत्रालय के द्वारा कि हर साल हम एक महीना चुनेंगे जिसमें हम राष्ट्रीय पोषण मनाएंगे, राष्ट्रीय पोषण माह मनाएंगे, और इस साल सितंबर महीने को चुना गया है। ये 3rd राष्ट्रीय पोषण माह है जो कि सेलिब्रेट किया जाना है।
ये जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है, इसका मेन जो है मुद्दा क्या था? इसका मेन मुद्दा था जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो किशोरियां होती हैं, उसमें कुपोषण और एनीमिया का जो रोग होता है उसको कम करना, उसको खत्म कर देना। राष्ट्रीय पोषण जो मिशन है वो नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाता है और राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्थित किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि 2022 में भारत को कुपोषण मुक्त कर दिया जाना। तो राष्ट्रीय पोषण माह की जो एक थीम है वो थीम रखा गया है। ये थीम एज इट इज ही पूछी जाती है, तो थीम आपको ऐसे ही याद रखना है, कुपोषित बच्चों की पहचान वो उनकी ट्रैकिंग और पोषण वाटिका को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण अभियान चलाने, ये इसका थीम है। थीम का जो नाम है आपको ऐसे ही याद रखना होगा। इसके बाद अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। यह है वोडाफोन आइडिया को रीब्रांड किया है, और रीब्रांड कैसे किया है? VI, ध्यान से देखिएगा ये क्या है, VI, वी कैपिटल, आई स्मॉल, और ये है इसका VI, TM ऊपर लिखा हुआ है, टुगेदर फॉर टुमारो, और ये जो डॉट है वो नीचे की तरफ, ये इसका क्या है, इसका आइकन है। अब एक बात समझिए, वोडाफोन और आइडिया दुनिया के सबसे बड़े जो है टेलीकॉम कंपनीज है, इनका एकीकरण हुआ है। इनका एकीकरण क्यों हुआ है आपको पता है? जियो इतनी तेजी से मार्केट में पेनिट्रेट कर रहा है कि वोडाफोन को बहुत सारे लॉसेज हुए हैं, आइडिया ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे ऐसा सुना जा रहा था, तो वोडाफोन आइडिया ने हाथ मिला लिया है, एकीकरण अपना कर लिया है। ये टेलीकॉम सेक्टर में सबसे बड़ा एकीकरण है आज का। और जब उनसे पूछा गया कि ये एकीकरण क्यों हुआ है, तो इस एकीकरण का जो मेन उद्देश्य है, उन्होंने बताया कि जो कॉल्स आती है उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाना है और उससे जुड़ी हुई सेवाओं की उत्कृष्टता को सुनिश्चित करना है। लेकिन एक्चुअली आप भी समझ रहे हो और हम भी समझ रहे हैं कि ये जियो से लड़ाई लड़ने के लिए है। और इसका जो आइकन है, ब्रांड आइकन है, VI है, VI, और ये आई इस तरीके से है, इसका आइकन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। यह सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या काम किया है? विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट को फुली डिजिटल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन भी था। तो विरुद्धनगर, ये आपको नाम याद रखना है, ये तमिलनाडु में एक जगह है। इसमें खास बात क्या है, यहाँ पे पटाखे और पटाखे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके छोटे और मध्यम उद्यम है। तो यहाँ पे क्या स्टेप लिया गया है, यहाँ पे इस जगह को पूरी तरीके से डिजिटलाइज किया जा रहा है, पूरा का पूरा कैशलेस इसे बनाया जा रहा है। तो कैशलेस बनाने के लिए वहाँ ATM, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और सारी वो सेवाएं लागू की जा रही है, जिससे सिस्टम पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो सके, जिससे पूरी तरीके से वो कैशलेस हो सके। तो ये नाम आप याद रखिएगा, तमिलनाडु में विरुद्धनगर को पूरी तरीके से डिजिटल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, इसके ऊपर काम कर रही है सरकार। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने टॉप किया है BRAP 2019 में। BRAP 2019 क्या है? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापार सुधार कार्य योजना 2019। जैसा कि नाम है, व्यापार सुधार कार्य योजना, व्यापार को सुधार करने के लिए कार्य योजना तैयार करना। तो अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से कार्य योजना तैयार करती है, पर आंध्र प्रदेश ने सबसे बेहतर तरीके से योजना तैयार किया है। अब ये रैंकिंग इसको 1 कैसे मिली है, तो मैं आपको बता दूं कि ये निवेशक एक समुदाय होती है हमारी, जिसको इन्वेस्टर ग्रुप बोलते हैं। जनवरी और फरवरी में 2020 के दौरान एक सर्वेक्षण कराया था, ये जो रैंकिंग है इसी सर्वेक्षण के बेस पे है। और इसको जारी किसने किया था, एक आभासी बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री जी ने की थी, और ये DPIIT, ये शॉर्ट नेम है, फुल नेम है औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, और इसका इंग्लिश में फुल नेम है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। अब इसमें आंध्र प्रदेश सरकार के कुछ कार्य सराहनीय रहे हैं। पोस्ट कोविड परिदृश्य में इन्होंने क्या किया है, MSMEs को एक रीस्टार्ट पैकेज दिया है, और जो स्मॉल शॉप्स होती है और छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती है उनको क्या किया है, उनको एग्जम्प्ट किया है। किस चीज़ में? कई बार क्या होता है, जब भी शॉप जो है बनाई जाती है या छोटी जो एंटिटीज़ होती है उनको एस्टेब्लिश करना होता है, तो अलग तरीके की फाइनेंस गवर्नमेंट चार्ज करती है, उससे एग्जम्प्ट किया है। तो इन्होंने बेसिकली क्या काम किया है कि एक इनका 1988 का एक्ट था, उस एक्ट में सुधार किया है ताकि चीज़ें इजी हो सके, इसी वजह से रैंकिंग में इनको पहली जगह मिली हुई है। इसके बाद अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। ये खबर है ऐप बैन को लेके। बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं कि ऐप बैन हो रहा है, चाइना के जितने भी ऐप है वो बैन हो रहा है। इसी स्टेप में आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ और ऐप को बैन किया है, और मेरा मानना है कि इन ऐप का बैन करना सरकार का जो पहल है वो बिल्कुल सही है। जैसे आपने देखा होगा रमी, पोकर,
ये सब ऑनलाइन गेमिंग एजेंसियां हैं जिसमें डायरेक्ट कैश इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व होता है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है, आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1974 को क्या किया है, चेंज कर दिया है। इसके लिए संशोधन का एक प्रस्ताव डाला है जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। सो रमी और पोकर जैसे जितने भी गेम हैं जो ये खेल रहे हैं उनको छः महीने की सजा, और जो इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको एक साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अब एक बात देखी गई है, रियल मनी गेमिंग भी इनको बोलते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट कैश इन्वॉल्व होता है। सालाना 30% की दर से ये बढ़ रहा है और आंध्र प्रदेश सरकार का मानना है कि ये गैम्बलिंग है, ये चीज़ सही नहीं है। इस वजह से उन्होंने आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1974 को अमेंड कर दिया, इसको बदल दिया गया और इन ऐप को बैन कर दिया है, और कैबिनेट जो है इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे चुकी है। इसके बाद अगली खबर की तरफ आज की मूव करेंगे और ये है हमारे रेड 2020 प्रोग्राम को लेके, ये लॉन्च होने वाला है केरला में। रेड बेसिकली है क्या, रिस्पॉन्सिबल एडोलेसेंस की बात हो रही है। ये कार्यक्रम 25 सितंबर को शुरू होना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो हमारे किशोर हैं उनको आत्म जागरूक बनाना है, उनको सामाजिक जिम्मेदारी से अवेयर करना है। ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम उनको क्या करने वाले हैं, जो केरल सरकार है बेसिकली, हम जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो केरल सरकार की बात कर रहा हूँ क्योंकि स्टेप ये केरल सरकार ले रही है। ये ऑनलाइन कक्षा और सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाली है जिसमें कुछ चीज़ें उनको सिखाने वाली है, जिसमें सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, भारतीय संविधान से रिलेटेड, मानवाधिकार से रिलेटेड विषय शामिल करके उनको एजुकेट करना चाहती है। इसमें जो लोग पढ़ाएंगे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लायंस क्लब, केरल हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, त्रिशूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अन्य के सहयोग से MKMS एजुकेशन रीड 2020 कार्यक्रम को क्या करेगी, बढ़ावा देगी। अब इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से निःशुल्क रखा गया है, इसका जो माध्यम है वो अंग्रेजी रखा गया और मलयालम रखा गया है। तो रीड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल एडोलेसेंस, और ये 25 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे हम, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसकी एक पहल ली थी। पहल क्या थी कि जब सरकार थी YS जगमोहन रेड्डी की, तो 1 से लेकर 6 तक जो हमारी शिक्षा होती सरकारी स्कूलों में, इसका जो माध्यम है उन्होंने अंग्रेजी बनाने की कोशिश की थी। उस टाइम पे उच्च न्यायालय ने इनके इस फैसले पे रोक लगा दी थी। तो जब सरकार की किसी फैसले पे हाई कोर्ट रोक लगाती है तो सरकारें कहाँ पे जाती है, सरकारें जाती है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पे जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एक फैसला लिया। और फैसला क्या लिया, उन्होंने एक बात ये बोला कि जो उच्च न्यायालय ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि नहीं अंग्रेजी माध्यम नहीं होना चाहिए, सो बिल्कुल सही है। तो उस याचिका को रद्द कर दी गई जिसमें यह कहा गया था कि उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, उसको रद्द कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को सही बताया, और उसके पीछे दलील क्या दी, दलील उन्होंने बोला कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की एक धारा है 29F, इसके अनुसार एक बात ये कही गई है, जहां तक संभव है बच्चे की जो बेसिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, और अंग्रेजी हम अगर रख देंगे मीडियम तो आंध्र प्रदेश में जो हमारी मातृभाषा है आंध्र प्रदेश के बच्चों की, वो अंग्रेजी तो है नहीं। अब हमारी जो परवरिश होती है वो होती क्या है, थोड़ा होता है स्कूल में और ज़्यादा होता है हमारे एनवायरनमेंट में। अगर हमारा माध्यम ही पूरा बदल दिया जाएगा तो हमारा जो एजुकेशन है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो जो न्यायालय है वो यही सोच के क्या कर रही है कि इस पे बैन लगा रही है। सरकार अपनी तरफ से ये पहल कर रही है कि बच्चों को आगे जाने के लिए अगर हम बेसिक लेवल पे इंग्लिश अगर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो बच्चा जो है वर्ल्ड में खड़ा हो पाएगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं कि एक चीज़ ऐसी है जिसमें सरकार चाहती है कि बच्चा जो है वर्ल्ड वाइड लड़े, और जो हमारी कोर्ट है, जो हमारी जो है न्यायाधीश हैं, वो ये बोल रहे हैं कि बच्चे का इससे उसके एजुकेशन पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। उनका ये मानना है कि बच्चे का जो बेसिक एजुकेशन है वो होना चाहिए, वो उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। ये जो फैसला वो सुनाते हैं हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है जिसके 29(2)(f) के अनुसार ये बोला गया है शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो बच्चे का मातृभाषा होना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें यहाँ तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को सही करार दिया हुआ है। फिर भी 25 सितंबर को एक बार दोबारा वो सुनवाई करने वाले हैं। इसके बाद अगली खबर की तरफ मूव करेंगे, यह है फटाफट न्यूज़ में पियरे गैसली का नाम आता है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जीता है F1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020। यह इटली के ऑटोड्रोमो नाजियोनेल मोंजा में ऑर्गेनाइज हुआ था। Formula 1 इटालियन ब्रांड प्रिक्स 2020 है, इन्होंने इसको जीत ली है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। इस रेस में
कार्लोस सैंस जूनियर को दूसरे स्थान पर, ये कनाडा के रहने वाले थे। लांस स्ट्रोक को तीसरा स्थान, कार्लोस सैंस जूनियर ये स्पेन के रहने वाले थे, लांस स्ट्रोक ये कनाडा के रहने वाले, इनको तीसरा स्थान मिला है। लुइस हैमिल्टन एक और नाम है जो 10 सेकंड के स्टॉप और गो पेनाल्टी के कारण सातवें स्थान पर पहुंचे हुए थे। इसके बाद न्यूज फटाफट में अगला न्यूज, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ये 7 सितंबर को मनाया गया है। 7 सितंबर को मनाया गया है। 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का संकल्प लिया था, जो कि इस साल 7 सितंबर को मनाया गया हुआ है। इसकी एक थीम थी, ये थीम थी क्या, सभी के लिए स्वच्छ हवा। तो ये थीम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगले सेक्शन की तरफ मूव करेंगे हम। ये हमारा सेक्शन वन लाइनर। किस भारतीय राज्य ने पैसे के लेन देन से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश ने यह मंजूरी दी है। रिस्पॉन्सिबल एडोलेसेंस रीड 2020 कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया जाएगा? केरल में शुरू किया जाएगा। किस राज्य ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 BRAP 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। वोडाफोन आइडिया ने नया ब्रांड VI, V Capital I Small को लॉन्च किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी अमेरिका राज्य उत्तरी कैरोलिना में स्थित डैश को दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है। विल्मिंगटन इनका नाम आता है यहाँ पे, ये उत्तरी कैरोलिना में है। पांचवी ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गई है? रसिया ने इसको हेड किया हुआ था। स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में दो प्रकार के इंडेक्स में यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच स्वास्थ्य पोषण और ज्ञान संबंधी विकास को मापता है। इस इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? बिहार का रहा हुआ है। आगे की वन लाइनर देखेंगे। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? बांग्लादेश ने किया है। केंद्र सरकार द्वारा किस जिले को तमिलनाडु के पहले पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है? विरुधुनगर को घोषित किया है। सरकार ने पोषण अभियान के तहत पहला राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया था? सितंबर 2018 को मनाया था, क्योंकि ये 2018 में ही लॉन्च किया गया था। 7 सितंबर को मनाए जा रहे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज का विषय क्या था, उसका थीम क्या था? क्लीन एयर फॉर ऑल। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम के लिए किस राज्य के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है? आंध्र प्रदेश ने। किसने इटली के ऑटोड्रोम नाजियोनेल मोंजा में आयोजित फॉर्मूला वन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है? पियरे गैसली ये नाम आता है। इसके बाद अगले सेक्शन की तरफ चलेंगे। ये है आपका एमसीक्यू का सेक्शन। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और अपने मन में फटाफट इनके जवाब देते हुए चलिएगा। रिस्पॉन्सिबल एडोलेसेंस रीड 2020 कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है केरला में। इसके बाद अगला एमसीक्यू आता है आपका। किस भारतीय राज्य ने पैसे के लेन देन से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश ने दिया हुआ है। अब इसके बाद अगला एमसीक्यू चलते हैं। निम्न में से किस राज्य ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 BRAP में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंध्र प्रदेश ने किया हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वोडाफोन आइडिया ने नया ब्रांड को लॉन्च किया है, यहाँ पे सिंबल है VI, V Capital I Small। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी अमेरिका राज्य उत्तरी कैरोलिना में स्थित, अब तो नाम भी याद आ गया होगा आपको, को दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। विल्मिंगटन ये नाम है, जो कि थर्ड ऑप्शन है। इसके बाद पांचवी ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक किस देश रशिया की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गई थी? रशिया आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है। इसके बाद बात करते हैं, स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में दो प्रकार के इंडेक्स में यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? बिहार का रहा हुआ है। उत्तर प्रदेश सेकंड वर्स्ट था। इसके बाद है, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? यह है बांग्लादेश। इसके बाद का एमसीक्यू है, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले को तमिलनाडु के पहले पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिले के रूप में चुना गया है? यह है आपका विरुधुनगर, आपका पहला क्वेश्चन भी था। इसके बाद सरकार ने पोषण अभियान के तहत पहला राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया था? यह 2018 में मनाया था, सितंबर 2018 में मनाया था पहला। इसके बाद है,
7 सितंबर को मनाया जा रहा है पहले इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज का विषय क्या था, इसका थीम क्या था, क्लीन एयर फॉर ऑल ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद है किसने इटली के ऑटोड्रोम नाजियो नेल मोंजा में आयोजित फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है, यह जीती है पियरे गैसली ने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम के लिए किस राज्य के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यह आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टेप लिया हुआ था। इसके बाद खत्म होता है आज का हमारा एमसीक्यू। उम्मीद करता हूं आज का करंट अफेयर आपको पसंद आया हो, अगर करंट अफेयर पसंद आया हो तो लोगों तक इसको पहुंचाइएगा और लाइक दबा के जो है अपना प्यार दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा करंट अफेयर को और बेहतर करने के लिए। लव यू गाइस।